देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, अदाब, सलाम, सत श्री अकाल। और सुनाइए कैसे आप। उम्मीद करता हूँ सच्चे रब से कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ जी बिहार और झारखंड सीरीज के अगले पड़ाव में आज पहुँचा हूँ गया। तो गया में जो सबसे फेमस है यहाँ पे लास्ट राइट्स, फाइनल लास्ट राइट्स होते हैं, पिंडदान होता है पूर्वजों का या जो भी डेड बॉडीज़ है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ गया में। तो मेरे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मंदिर है विष्णुपाद मंदिर। तो ये द्वार है मेरे पीछे विष्णुपाद मंदिर का। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ठीक है जी, चलते चलते बात करते हैं, फिर आगे हिस्ट्री बताऊँ। तो ये आगे आप मंदिर देखेंगे, बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये आर्किटेक्ट है, शिखर आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। ये इसे कहते हैं विष्णुपाद मंदिर। भगवान विष्णु के जो पैर का चिन्ह है यहाँ पे, वो मान्यता है, माना जाता है। ये मंदिर है, ये विष्णुपद वेदी गया धाम है जी, ये मंदिर है। तो ये मंदिर का जो मेनली इतिहास है कि तो जो गया डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार का, ये यहाँ पे गयासुर नाम के राक्षस था, उसी के नाम पे गया नाम पड़ा है। तो उसने यहाँ पे भक्ति करके उसको वरदान मिल गया था कि जो भी उसको देखेगा तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन उस वरदान का दुरुपयोग होने लगा कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते थे मोक्ष की प्राप्ति या स्वर्ग के लिए एज पर हिंदू धर्म, तो वो भी उसको उसका फ़ायदा उठाने लगे उस वरदान का। विष्णु भगवान ने देखा कि ये भी ठीक नहीं है, ये मॉरल वैल्यू के अगेंस्ट है, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज़ रखेंगे और जो उसके लायक होंगे उसी को ही चीज़ मिलेगी। वो चीज़ धरती पर आके असुर से कहा कि यज्ञ करना है, तो उसके शरीर पर उन्होंने यज्ञ किया था। तो बहुत बलशाली असुर था, वो यज्ञ किया और उसको जमीन में धरती में धकेल दिया नीचे। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो विष्णु भगवान का जो पैर का चिन्ह था वो इस मंदिर में बसाल्ट की शिला है वहाँ पे है वो। तो वहाँ पे जो विष्णु भगवान जी का पैर का चिन्ह है, तो वो माना जाता है कि उसमें 9 सिम्बल्स हैं। देयर आर 9 सिम्बल्स। सिंबल्स वो वेपन्स माने जाते हैं भगवान विष्णु के, जिसमें से शंख है, उनका गदा है या चक्कर है। रीबिल्ट इसको किया था 1787 में, महारानी अहिल्याबाई थी इंदौर की, तो उन्होंने इसको रीबिल्ट किया था। स्पेशल स्टोन मुंगेर के स्टोन उन्होंने किए थे, लेकिन वो वहाँ पे मिल नहीं पाए क्योंकि बहुत दूर था वहाँ से इधर लाना। तो यहाँ पे बथानी गांव है, वहाँ से रोक के जो स्लैब्स हैं उसी से ये मंदिर बना था। जो आर्किटेक्ट का ये नमूना ये कहेंगे वो शिखर है, शिखर आर्किटेक्ट के रूप में ये विकसित हुआ है मंदिर। तो यहाँ पे जो पुरोहित हैं उन्हें गयावाल पुरोहित भी कहते हैं, या गया वाले पांडे जो यहाँ के पुराने पुरोहित हैं उन्हीं के द्वारा ये संचालित होता है जो भी यहाँ का पूजन है। तो वो मेनली यहाँ पे जो पूजन प्रक्रिया अलग अलग है, जैसे यहाँ पे विष्णुपाद मंदिर में होती है, और साथ में फाल्गु रिवर है। लास्ट राइट अक्षय बट का वृक्ष है, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो साथियों मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये सारा इधर लिखा हुआ है। ये उसके ऊपर सोने का भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 50 किलो सोने का फ्लैग है ऊपर, जो कि यहाँ पे दान किया हुआ है, 50 किलो सोना है। कोई गोविंद पांडावल थे, पांडावल जी ने किया हुआ है। वो ऊपर पहाड़ है उधर छोटा, ये फाल्गु नदी है। तो ये यहाँ पे लोग जैसे ये आए हैं, ये सब पिंडदान के लिए बैठे हुए हैं। तो ये पूजा हो रही है, जैसे ये पुरोहित इधर ऊपर जाके मंदिर है। साथियों यहाँ गया का नाम जो पड़ा है वो गयासुर राक्षस से पड़ा है,
उसने तपस्या करके फिर वरदान उसको प्राप्त हुआ कि जो भी उसकी तरफ देखेगा तो वो उसको देखते ही मोक्ष प्राप्ति होगी उसके दर्शन मात्र से। तो वो वरदान जो था, जैसे मोक्ष प्राप्ति होती है या हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि स्वर्ग की प्राप्ति है, तो उसके लिए मोरल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, आपको सच्चे होना ज़रूरी है, आपको निष्पाप होना ज़रूरी है, या आप कहेंगे एक कर्मवीर होना ज़रूरी है, जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो माना जाता है। लेकिन वो उसके वरदान से लोगों को वैसे ही मोक्ष प्राप्ति होने लगी, जो लोग उसके काबिल भी नहीं थे वो भी मोक्ष प्राप्ति करने लगे। तो ये जो भी देवी देवताओं ने या विष्णु भगवान ने देखा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तो विष्णु भगवान जी से सभी देवताओं ने रिक्वेस्ट की कि आप देखिए। तो वो आए धरती पे, तो उन्होंने उसको कहा, क्योंकि वो बहुत बलशाली शक्तिशाली राक्षस था, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई तुम धरती के नीचे चले जाओ, तो मैं तुम्हारे शरीर पे यज्ञ करना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि राक्षस को नीचे धरती में धकेल दिया, और जो जो पैर के चिन्ह हैं वो यहाँ पे विष्णु पद मंदिर है, यहाँ पे लास्ट राइट्स होते हैं, फाइनल लास्ट राइट्स होते हैं। अगर आपकी अननेचुरल डेथ हो, एक्सीडेंट से डेथ हो, या कोई भी आपने मोक्ष प्राप्ति, तो कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सी पीढ़ियों की मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे राइट्स होते हैं, फाइनल आपके यहाँ पे पूजा होती है, और उसके दाह संस्कार का जो भी प्रक्रिया होती है संस्कार की, वो यहाँ पे की जाती है अलग अलग शिलाओं में, अलग अलग यहाँ पे जगह है। जैसे अननेचुरल डेथ की यहाँ पे प्रेत शिला है, यहाँ से दूर है काफ़ी, तो वहाँ पे एक शिला है, वहाँ पे आपको पिंडदान करना पड़ता है। तो वो राक्षस नीचे तो चला गया, लेकिन नीचे उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए, तो विष्णु भगवान ने उसको वरदान दिया कि यहाँ पे मुंड और पिंड की कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे भारत के या भारत के बाहर से जो भी पिंडदान करने आते हैं, तो यहाँ पिंड की कोई कमी नहीं होती। तो माना जाता है कि अगर पिंड और मुंड की कमी हो गई, तो लाशें भी यहाँ पे जलती रहती हैं, हर रोज़ लाशें आती हैं, तो यहाँ पिंड और मुंड की कमी नहीं होती। पिंड और मुंड की कमी अगर हो गई, तो कहा जाता है कि राक्षस दोबारा वापस धरती के ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है हिंदू धर्म के हिसाब से, जितनी भी मैं रिसर्च कर पाया हूँ, समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। अगर इसमें कोई त्रुटि, मिस्टेक या गलती हो गई हो, कोई वर्ड अनुचित बोला गया हो, तो आप माफ़ करना, क्योंकि ये धर्म की बात है, भावना की बात है, श्रद्धा की बात है। और मैं आगे जारी रखते हुए आपको, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे भगवान राम जी आए सीता माता के साथ में, तो उन्होंने यहाँ आके पिंडदान करना था, तो पिंडदान के लिए वो सामग्री लेने बाज़ार में चले गए। बाज़ार दूर था, तो वहाँ से वो सामग्री लेने गए। बाज़ार दूर होने के कारण, तो यहाँ पे फिर जो समय था पिंडदान का, वो नज़दीक था, तो फिर आकाशवाणी हुई। दशरथ जी ने आकाशवाणी से सीता माता को कहा कि ये समय बहुत पवित्र है, यहाँ पे अगर आप रेत का भी पिंड बना के दान कर दोगे, तो वो पिंडदान कहलाएगा और मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो सीता माता जी ने उनके कहने पे फिर वहाँ पे उन्होंने पिंडदान किया सभी पूर्वजों का, तो वो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, रेत का पिंडदान किया। लेकिन उन्होंने गवाह के रूप में कि पिंडदान हो गया है, तो ये फाल्गु नदी एक गवाह के रूप में थी, कुशा थी, घास जो होता है वो थी, और वट वृक्ष था, जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पूजा होती है, और एक पंडित था, एक गाय थी और एक कौआ था। तो ये सारे गवाह थे कि पिंडदान हो गया। लेकिन जैसे राम जी आए, उन्होंने देखा कि पूछा कि पिंडदान के लिए समय हो गया, तो उन्होंने कहा कि पिंडदान मैंने कर दिया है, तो ये गवाह हैं, मैंने ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे मेरे को आकाशवाणी हुई, तो पिंडदान कर दिया। लेकिन वो सभी गवाह कुशा को और वट वृक्ष को छोड़ के सारे गवाह कह रहे हैं कि मुकर गए, वो अपने गवाही उन्होंने गलत दे दी कि नहीं, हमने नहीं देखा, क्योंकि उनको अपना अपना लालच था। पंडित को अच्छा खाने का लालच था, फिर उसको धन का लालच था, फिर गाय को भी अच्छा खाने का लालच था, या कौए को भी, तो वो उन्होंने वो सारे मुकर गए कि हमें दोबारा ये पिंडदान करेंगे तो हमें खाने को मिलेगा। तो सीता माता ने दुखी होकर उनको श्राप दे दिया था, तो शराब फाल्गु नदी को जो शराब दिया कि इसको गुप्त गंगा की आप धरती के नीचे बहेंगी, कहेंगे आप पानी, ये बरसात का पानी होता है बस, और पानी नहीं बहती नहीं है, बरसात का पानी होता है, तो ये गुप्त गंगा है, गुप्त है, नीचे बहती है धरती के। तो ये फाल्गु नदी को जो शराब मिला था
और ये इसी के तट पे पूरा गया बसा हुआ है, फाल्गु नदी के तट पे। और फिर जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को उन्होंने फिर अभिशाप दिया कि तुम जितना मर्जी धन आ जाए तुम्हारे पास, तुम्हारे संतुष्टि नहीं होगी धन के प्रति, तुम्हारा लालच धन के प्रति रहेगा ही। और फिर पंडित को वो श्राप दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप जितना मर्जी पैसा लेके आ जाएं, जो पंडित हैं वो फिर वो उसको लेते रहेंगे, वह पैसा ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसको पंडित को संतुष्टि नहीं होगी। तो दूसरा कौआ है, कौए को फिर उन्होंने अभिशाप दिया कि तुम लोगों को छीन छीन के लोगों का खाओगे। तो जैसे कौए का आपने देखा है, वो छीन के ले जाता है तो छीन के खाता है। और फिर गाय को उन्होंने श्राप दिया कि आप जूठन खाओगी, लोगों का जूठा छोड़ा हुआ खाओगी। तो ये गाय को उन्होंने श्राप दिया था सीता माता ने। एक रास्ता ये भी है यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं श्री विश्वनाथ गर्भगृह में मोबाइल और कैमरे से फोटो सख्त मना है। तो ठीक है जी, ये गया की मार्केट्स है, यहाँ पे अलग अलग शॉप्स हैं। ये आप फाइनल देख लीजिए एक बार मंदिर, क्योंकि अंदर कैमरा एक्चुअली अलाउड नहीं है। ये मार्केट है, शॉप है, अलग अलग ऐसे मार्केट है यहाँ पे। तो ये सीता कुंड है साथियों, यहाँ पे सीता माता जी ने पिंडदान किया था। तो ये जो है ये टेंपल है, यहाँ पे ये टेंपल है। ये फाल्गु नदी है, बिहार का जो मेन है सीता कुंड, जो कि मैंने आपको बताई इसकी स्टोरी जो पीछे। तो ये जो सीता कुंड द्वार है, ये आप देखें, ये सीता कुंड द्वार है। और ये आगे सीता कुंड, ये मंदिर कैसे है पुराना। तो साथियों ये आपने देखा सीता कुंड। तो हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे एक मंदिर है मंगला गौरी का, जो शक्तिपीठ के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। साथियों हम जा रहे हैं गया की गलियों से होते हुए मंगला गौरी टेम्पल की तरफ, जो कि यहाँ का फेमस है। ये सीढ़ियाँ हैं जी मंगला गौरी टेम्पल की, ऊपर जाके चलते हैं जी। ये साथियों मंगला गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार है इधर से। तो ये शॉप है प्रसाद की, अलग अलग यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो ये टेम्पल है जी मंगला गौरी का, मंदिर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती, तो इसलिए ज़रा आप यहीं से देख लीजिए। ये टेम्पल है तो ये मंगला गौरी मंदिर है, जो मैंने आपको इधर से दिखाया। ये है साथियों, ऐसे कुंड है यहाँ पे। तो ये बतरनी घाट है, मंगला गौरी के बाद ये बतरनी घाट है। अब हम अक्षय भट्ट की तरफ चलेंगे। तो साथियों हम पहुंच गए हैं अक्षय भट्ट की तरफ। अक्षय भट्ट वो वृक्ष यहाँ पे, जिसने पिंडदान के समय सीता माता की तरफ से गवाही दी थी। तो ये अक्षय,
ये है वो, ये आप पेड़ देखेंगे, ये अक्षय भट्ट का पेड़ है। ये अक्षय भट्ट का पेड़ है जी पीछे, इसी पे ही जो पूजा होती है फाइनल, जो यहाँ पे आके जो पिंडदान के समय जो करते हैं, तो फाइनल यहाँ पे ही पूजा होती है अक्षय भट्ट पेड़।